स्कूल से जा रहे ननिहालों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ बच्चे एक खड्ड के पानी में यूनिफॉर्म पहने हुए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कृपया उनके गांव को आवागमन के प्रति पुल की सुविधा से जोड़ा जाए, अन्यथा हम स्कूल से आते जाते पानी के बहाव में बह जाएंगे। इस वायरल वीडियो की वास्तविकता को जानने के लिए जांच पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई कि ये वायरल वीडियो जंडुता विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गरान के खमेड़ा गांव से संबंधित है। स्कूली बच्चों का ये वायरल वीडियो चरहाली खड्ड का है, जिस पर पुल नहीं होने के चलते ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। करीब 40-50 बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10 लेड़ा को पढ़ने जाते हैं। इस बारे में स्थानीय विधायक जे.आर. कटवाल से संपर्क किया ताकि समस्या का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निर्माण होगा, खमेड़ा व सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब 10,000 जनता लाभान्वित हो सके। विधायक जे.आर. कटवाल ने कहा कि 70 वर्षों में तो खमेड़ा गांव को पुल बनाने की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि DPR तैयार करके ही प्रदेश सरकार से स्वीकृति मिलते ही पुल का निर्माण आरम्भ कर दिया जाएगा। प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन कर्मचारियों के साथ अब प्रदेश की राइट फाउंडेशन नाम की गैर सरकारी संगठन ने भी इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाने का फैसला लिया है। बकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिलाधीश राकेश प्रजापति के जरिए एक मांग पत्र सौंपा है। जिसमें इस मुद्दे पर गौर फरमाने के लिए महज 9 दिन का वक्त दिया है। NGO के पदाधिकारियों की मांग है कि 9 दिनों के अंदर इस मुद्दे का सरकार हल करके दे, अन्यथा उन्हें आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जिसमें अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलों को लेकर जिला कांगड़ा में अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 6 दिनों में इस बीमारी के 18 से अधिक मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग गंभीर हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा ने जिला के सभी BMO और अस्पताल प्रबंधन को स्क्रब टाइफस के मरीजों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में जनवरी महीने से अब तक स्क्रब टाइफस बीमारी के 72 मामले आ चुके हैं, जिसमें 57 मामले जिला कांगड़ा से जबकि 15 मामले बाहर के दर्ज किए गए हैं। पिछले 6 दिनों में 18 से अधिक मामले सामने आने से विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि स्क्रब टाइफस से जिला में अभी तक कोई भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जिला के सभी अस्पतालों CHC, PHC और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर स्क्रब टाइफस की दवाइयों का कोटा उपलब्ध करवा दिया गया है और लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए काम किया जाएगा। 1 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा तथा इस दौरान मतदाता सूचियों में विसंगतियों को दूर कर पूर्ण रूप से शुद्ध बनाया जाएगा। उन्होंने यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत हर मतदाता संबंधित मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है। कोई भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के जरिए या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से सूची में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है। इसके अलावा लोक मित्र केंद्र जाकर अथवा निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी SDM कार्यालय में स्थापित मतदाता सहायता केंद्र में जाकर सत्यापन करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग मतदाता वोटर हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी सत्यापन करवा सकते हैं। मतदाता सूची में प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा बताए दस्तावेजों में से किसी एक को उपरोक्त माध्यमों से अपलोड करना होगा।
और इन दस्तावेजों में भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, किसान प्रमाण पत्र, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारियों के जारी पहचान पत्र NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड के अलावा भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य दस्तावेज शामिल है। इनमें से किसी एक दस्तावेज को सत्यापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि इस अवधि में BLO घर घर जाकर मतदाता सूची में दर्ज नाम, घर, पते, आयु, लिंग, फोटो, स्थायी रूप से स्थान, त्याग या मृत्यु इत्यादि का सत्यापन करेंगे और विसंगतियों एवं त्रुटियों को दुरुस्त करेंगे। साथ ही प्रत्येक घर की GIC मैपिंग भी की जाएगी। एक जनवरी 2020 को अहर्ता तिथि मनाते हुए नए मतदाताओं का ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। जिले में इस काम के लिए 1123 BLO और 117 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। मंडी जिले के सभी 499 लोक मित्र केंद्रों पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हर SDM कार्यालय में वोटर सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उपरोक्त ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संस्थाओं में मतदाता सूचियों में पात्र लोगों के नाम दर्ज करवाने, विद्यमान प्रविष्टियों में संशोधन करने और अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग की अपील की है। विश्वास है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद